सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। चलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम जो सर्च एपीआई होगी वो बनाएंगे, और जो सर्च रिजल्ट हम लोग लोकली सर्च कर रहे थे वो हम लोग बैकएंड सर्च करके लाएंगे। लोकली मतलब जैसे हमारे पास ये रिजल्ट होते हैं, मतलब टोटल जो जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं, तो इसमें से हम लोग क्या करते थे, इसी में से सर्च करके ऊपर दिखा देते थे। तो ऐसा नहीं करेंगे, ये जो सर्च रिजल्ट होंगे हमारे ये हम बैकएंड से लेके आएंगे। दूसरा, जब हम कैटेगरी पे क्लिक करते हैं तो यहीं पे जो दिखा देते हैं ये नहीं करना। अब हमने करना क्या है, जैसे हम कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो वो एक नया पेज खुल जाएगा उसके लिए, स्लैश कैटेगरी, और स्लैश इस तरीके से कैटेगरी बन जाएगी उसकी, और उस पेज पे उसके रिजल्ट दिखेंगे। साथ में जब हम प्रोडक्ट की डिटेल पे जाएंगे, सपोज किसी प्रोडक्ट पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे अब ये प्रोडक्ट के लिए किस यूजर से कॉन्टेक्ट करना है, तो यूजर के कॉन्टेक्ट डिटेल यहाँ पे दिखाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यूजर की टेबल में भी उसका फोन नंबर और ईमेल ये सब ऐड करवाने पड़ेंगे यूजर से। तो साथ में हमें ये भी रखना पड़ेगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये कौन से यूजर ने ऐड किया है। तो यानी जब यूजर प्रोडक्ट ऐड करेगा तब उसकी आईडी रख लेंगे, और साथ में उसको और भी इमेजेस मांगेंगे उससे, राइट? क्योंकि सिर्फ एक ही इमेज नहीं दिखाते हैं, एक से ज्यादा इमेजेस भी हो सकती हैं। तो हम दो इमेज मान लेते हैं, चलो एक से ज्यादा। सो कितनी भी इमेजेस यूजर से मांग सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं दो लेके चलता हूँ सिंपलिसिटी के लिए, तो इजीली आपको समझ में आ जाए। तो चलिए वन बाय वन सारे स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो तीन काम करने हैं। सबसे पहले आप चलिए सर्च की एपीआई बना लेते हैं। सो ऐप डॉट डॉट गेट स्लैश SEARCH सर्च कॉमा रिक्वेस्ट कॉमा रेस्पॉन्स। चलिए तो अब जो रिजल्ट्स हम लोग फाइंड करने वाले हैं सर्च के लिए वो एक्चुअली प्रोडक्ट्स में से सर्च होंगे। तो प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड, और फाइंड का क्राइटेरिया हम लोग लगा देंगे जो भी, और डॉट देन और डॉट कैच तो करना ही है। देखिए ये तो बिल्कुल सिंपल ऐसे होगी गेट प्रोडक्ट जैसी, लेकिन अब इसमें डिफरेंस क्या आएगा, अब डिफरेंस हम बताते हैं इसमें डिफरेंस क्या आएगा। क्योंकि ये सर्च एपीआई होगी, ये सिर्फ उन्हीं रिजल्ट्स को देगी जो हमें मिलेंगे। लेट एक क्वेरी हम फ्रंट एंड से ले लेंगे, कौन से किस क्या सर्च में वो देना चाह रहा है उसके हिसाब से। तो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, ये फ्रंट एंड हम लोग गेट करेंगे और फिर उसके रिजल्ट्स फाइंड करके उसको दे देंगे, यानी क्वेरी के बेसिस पे। तो सबसे पहले हम लोग फ्रंट एंड पे चलते हैं, वहां से क्वेरी भेज देते हैं, तभी ये एपीआई को हम बना पाएंगे। वन बाय वन चलते हैं अपना, कहाँ गया, होम पेज पे चलते हैं। देखिए होम पेज पे हमने क्या किया था, हैंडल फ्लिक पे ये देखो, यहीं से ये जो हमारे पास थे प्रोडक्ट्स इन्हीं में से फिल्टर करके यहाँ पे हमारे जो कैटेगरी प्रोडक्ट्स थे उनमें पुश कर दिया था। ऐसा नहीं करेंगे अब, ये जो फिल्टर्ड प्रोडक्ट्स हैं ये हम कहाँ से लेके आएंगे, इसको हटा देते हैं, ये इतना लॉजिक कर देते हैं हम लोग कमेंट। ठीक है, अगर आपको लोकली सर्च करना तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर एपीआई से करना है तो यहाँ पे एपीआई से जो रिजल्ट आएगा उसको सेट करेंगे। ठीक है, इसको पूरे को मैं कमेंट कर देता हूँ। चलिए अब यहाँ पे हम लोग एपीआई कॉल करा देते हैं एक्सियोस। देखो जैसे एपीआई नीचे कॉल कराई थी वहां से कोड ले लेते हैं, ये तो एक्चुअली यूजर की आईडी भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। चलिए यहाँ से ले लेते हैं, तो URL ये हो गया। अब इसमें कर देते हैं स्लैश सर्च SEARCH सर्च, और क्वेश्चन मार्क QUER बाई क्वेरी इक्वल, क्वेरी में प्लस कर देंगे, किस भेजना क्या हमको, क्वेरी में भेज देंगे जो हमने सर्च में भेजा था। सर्च में क्या था, ये था ना, ये सर्च कहाँ था, स्टेट में हम लोग सेव कर रहे थे। ये रहा, जब यूजर हेडर कंपोनेंट में सर्च में डिटेल डालता है उसमें कुछ इनपुट करता है तो उसको हम वहां से गेट करके यहाँ ले आते थे होम पेज पे। तो यहाँ से तो
क्वेरी बन गई हमारे पास, यूआरएल में हमने क्वेरी भेज दी। अब चाहे तो हम डेटा में भी भेज सकते हैं, किसी भी तरीके से भेज सकते हैं, लेकिन सिर्फ हमें तो डेटा की जरूरत नहीं है, ये गेट की एपीआई से ही काम चल जाएगा। तो पोस्ट की बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल, बस हमें ये सर्च में भेजना है स्लैश सर्च और क्वेरी क्वेश्चन मार्क के बाद ये हमने लिखा क्वेरी इक्वल, इसमें डेटा भेज दिया है और इफ रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट में से इसको हटाते हैं और कंसोल डॉट लॉग रेस्पॉन्स डॉट डेटा। चलिए रेस्पॉन्स डेटा को प्रिंट कर लेंगे कि डेटा में हमें क्या मिलता है। वरना सर्वर एरर होगी तो सर्वर एरर ये किया। अब देखिए अब जब हम इस पे क्लिक करेंगे, होम पे चलते हैं, नेटवर्क में चलते हैं, ठीक है, मैंने लिखा एच और क्लिक किया। देखिए अब हमारे पास ये एपीआई कॉल हो गई जिसमें पेलोड में क्या जा रहा है, क्वेरी में जा रहा है एच और हेडर्स में जा रहा है ये। अब ये क्वेरी का नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, क्वेरी का मतलब ये नहीं है क्वेरी रखूँ। सपोज मैंने रख दिया क्यू, तो क्यू नाम से जाएगा ये कि नाम मेरे ऊपर है, बस जिस नाम से मैं फ्रंट एंड से भेजूंगा उसी नाम से मुझे बैक एंड में गेट करना है। एच सर्च, देखिए अब ये क्वेरी सर्च क्यू इक्वल टू एच, तो क्यू की वैल्यू एच जा रही, जो मैं जो भी मैं इनपुट में करूंगा वो क्यू में जाएगी और एपीआई ये वाली कॉल हो रही है। चलिए इससे आप क्वेरी में कैसे डेटा भेजते हैं वो भी आइडिया लग जाएगा, क्वेरी में कैसे भेजते हैं, पैरंट्स में आपने देख लिया था एक बार, एक क्वेरी वाला हो जाएगा एग्जांपल। तो चलिए अब इधर बैकएंड पे आ जाते हैं। अब ये रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी में हमको मिल गया होगा डेटा, चलिए देख लेते हैं कंसोल डॉट लॉग। और इसके आगे क्या कर देते हैं, रिटर्न मैंने इसे यहाँ पे मैंने अभी इसको ऐड कर दिया, तो अब वो फ्रंट एंड से एरर नहीं दिखाएगा दरअसल। चलिए देखते हैं, वो बोला था ना एपीआई नॉट फाउंड, क्योंकि मैंने एपीआई को कमेंट करके रखा था। देखिए अब इस बार उसने एरर नहीं दिया, पेंडिंग में बोल रहा वो, पेलोड में गया, प्रीव्यू में गया। अब बैकएंड का लोग अपना चेक करते हैं, बैकएंड पे क्यू में ये आ गया, देखिए राइट। तो जैसे हमें मिलता था डेटा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, तो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी में हमें ये सारा डेटा मिल गया। अब क्वेरी के अंदर ये एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि एक से ज्यादा भी क्वेरी में डेटा हो सकता है, से ज्यादा किस तरीके से वो भी मैं एक बार दिखा देता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एंटर, होम पे चलते हैं। तो एक से ज्यादा डेटा भेजना था तो आप इस तरीके से भेजते हैं, डॉलर एंड बी इक्वल कुछ दूसरा वैल्यू, इस तरीके से डॉलर एंड के इक्वल, इस तरीके से मल्टीपल डेटा भेज सकते हैं। अभी मेरे को एक भेजना था, मैं एक ही भेज देता हूँ और इसका नाम मैं क्यू की जगह रख देता हूँ, SERT, सर्च सर्च इक्वल सर्च, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं इसको करता हूँ दोबारा से कॉल, एपीआई कॉल लगी, इधर आए हम और हमें सर्च में ये मिल गया, जो वैल्यू थी वो चाहिए थी हमें, तो वो वैल्यू हमें मिल गई। ये वाला झंझट हम कर देते हैं खत्म, क्वेरी की जगह लिख देते हैं SERCH सर्च, तो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट सर्च ST, तो सर्च की सर्च में वो वैल्यू आ जाएगी जो हमें चाहिए थी। अब यहाँ पे हम लोगों ने लगाना है, अब दरअसल जो ये सर्च है ये कहाँ कहाँ मैच कराना है। फ्रंट एंड पे देखो हमने किस तरीके से मैच कराया था, इसको पी नेम में भी मैच कराया था, पी डेस्क में इस तरीके से मैच कराया था। तो इधर तो फ्रंट एंड पे तो चलता है इस तरीके से, इंक्लूड्स इंक्लूड्स वगैरह, लेकिन ये मोंगो डीबी की क्वेरी है राइट, ये सिंपल एरे नहीं है, ये मोंगो डीबी वाला एरे है, तो इसमें चलता है इस तरीके से। जैसे हमने मोंगो डीबी के एरे में जब हमें डेटा ऐड करना था तो हमने क्या किया था, डॉलर ऐड टू सेट राइट, लेकिन अगर नॉर्मल एरे होता तो एरे डॉट पुश, इस तरीके से पुश कर सकते हैं सिंपली,
लेकिन जब MongoDB के अंदर सेव होता है डेटा तो उसमें मेथड्स अलग हो जाते हैं। तो इसमें हम करेंगे डॉलर ऑफ, डॉलर और का मतलब है एक से ज्यादा मैं क्राइटेरिया डिफाइन करने वाला हूँ, मतलब या तो मेरा सर्च पैराग्राफ मतलब प्रोडक्ट नेम में मिल जाए, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में, कहीं भी मिल जाए, जहां भी मिल जाएगा मैं वहीं से डेटा को उठा लूंगा। तो इस तरीके से मल्टीपल डेटा हम लोग सर्च करेंगे, और फिर डॉट देन डॉट प्रोडक्ट्स नहीं होगा, हाँ प्रोडक्ट्स में ही भेज देंगे डेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सो अब हमने की डिफाइन करनी है, मतलब किस की में हमने सर्च करना है। तो मान लो पैराग्राफ नेम नाम से है मेरा, तो पैराग्राफ नेम में सर्च करना है। अब क्राइटेरिया क्या होगा उसको डिफाइन करेंगे हम डॉलर रिजेक्ट्स में। मिनट, क्वेरी से मैच कराना है जी, एरर क्यों दे रहा है। ओके ये सब भी पूरा एक ऑब्जेक्ट में रहेगा, राइट लाइक दिस। यहाँ पे मैं लिख दूंगा सर्च, SERCH सर्च। अब क्यों एरर दे रहा है, अब नहीं दे रहा, ठीक है। अब एक से ज्यादा ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, मैं पैराग्राफ नेम में भी सर्च कर सकता हूँ, पैराग्राफ डिस्क्रिप्शन में भी सर्च कर सकता हूँ, और क्या था, प्राइस, प्राइस से कौन सर्च करेगा, चलो डालता हूँ प्राइस से भी सर्च कर सकते हैं। जो भी चीजें फ्रंट एंड पे यूजर डालेगा उसके हिसाब से सर्च हो जाएगा। फाइंड के अंदर बस इतना पार्ट ये चेंज होगा, डॉलर और, अगर मैं चाहता हूँ कि जो जो भी मैं कीवर्ड डालूँ वो नेम में भी एग्जिस्ट करे, इसमें भी एग्जिस्ट करे, इसमें, तो यहाँ डॉलर और नहीं लगाएंगे, यहाँ पर डॉलर एंड लगाएंगे, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा जो सर्च है वो या तो नेम में मैच हो, वहां से भी मुझे डेटा मिल जाए, अगर डिस्क्रिप्शन में हो वहां से भी डेटा मिल जाए, प्राइस में हो वहां से भी मिल जाए, मतलब मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा डेटा मुझे मिल जाए, जहां से भी मैच होता है वहीं से डेटा मिल जाए। चलिए तो इसको सेव करते हैं, और फिर हमें क्या मिलेंगे, ये रिजल्ट मिल जाएंगे, इस बार रिजल्ट नहीं रिजल्ट्स मिलेंगे, खूब सारे रिजल्ट मिलेंगे। तो इसको रिजल्ट्स लिख लेता हूँ मैं, कंफ्यूजिंग नहीं होगा। चलिए अब इन रिजल्ट्स को देख लेते हैं, ये एपीआई बन गया ना, हाँ सर्च की एपीआई है। सिंपल, ये कोड बिल्कुल सिंपल है, इसको देख लेते हैं ये चलता है या नहीं। चलिए फ्रंट एंड पे चलते हैं। ओके ओके को रिफ्रेश करते हैं, सर्च में मैंने डाला एच और इसको रिजल्ट में गया, इधर आया और प्रीव्यू में चल के देखते हैं, मैसेज सक्सेस और प्रोडक्ट्स मुझे मिल गए, और प्रोडक्ट मुझे काफी सारे मिल गए, 9 प्रोडक्ट्स मुझे मिल गए, चलो 8। तो अब इन 9 प्रोडक्ट्स को मुझे शो कराना है, क्योंकि एच सभी में आ रहा है, इसके डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, किसी के कहीं आ रहा है, सब में एच मैच हो रहा है कहीं ना कहीं। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, माई लिख देता हूँ, माई लिखने से कम रिजल्ट्स आएंगे, देखते हैं अब कितने रिजल्ट्स आए। ओके एक रिजल्ट आया, क्योंकि एक में ही माई लिखा हुआ है, दिस इज माई प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट्स में क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं, इसमें माई कहीं नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी कहीं नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, भी नहीं है, भी नहीं है, एक प्रोडक्ट में दिस दिस सारे प्रोडक्ट में, अगर मैं दिस से सर्च करूंगा सारे आ जाएंगे, ठीक है। अब प्रोडक्ट तो मुझे मिल गए, अब इन प्रोडक्ट को मैं बस क्या करना, ये बैकएंड से मैंने प्रोडक्ट भेज दिया सर्च करके, रिजेक्ट लगा के सर्च किया, बस होम पे क्या करना है, जो मैं यहां से सेट करा था वो सेट प्रोडक्ट, तो ये मुझे मिले रिजल्ट डॉट डेटा डॉट, कौन से में मिले हैं देखिए, ये मिले मुझे रिजल्ट डॉट डेटा डॉट मैसेज डॉट प्रोडक्ट्स, ठीक है रिजल्ट डॉट डेटा। तो यहां से मैं क्या करा दूंगा, ये फिल्टर प्रोडक्ट नहीं, जो एपीआई से मिले हैं मुझे रिजल्ट, यहाँ पे मैंने कहाँ से निकाले थे, इसी से निकाल लिए थे, अब मैंने बैकएंड से निकाल लिए, सिंपल बस
रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट क्या था वो प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स नाम से ये मिल गया मुझे डेटा। चलिए कुछ कितने देखते हैं एलएपीजीओपी लैपटॉप और सर्च करते हैं। देखिए एक रिजल्ट आ गया और ये बैकेंड सा है, लिख देता हूँ फोन और सर्च करता हूँ, कोई रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, तो जब कोई रिजल्ट नहीं आएगा तब हम लिख देंगे नो रिजल्ट फॉर्म। ये कैसे पता चलेगा हमें कोई रिजल्ट फॉर्म हुआ या नहीं, होम पे चलते हैं। ये पता चलता है हमें यहाँ से सर्च रिजल्ट से या सी प्रोडक्ट से, इसकी लेंथ से सर्च रिजल्ट्स में गए। सर्च रिजल्ट को हम तभी दिखाएंगे जब प्रोडक्ट्स सर्च प्रोडक्ट्स होंगे, और अगर सर्च प्रोडक्ट होंगे एंड उनकी जो लेंथ है इसी प्रोडक्ट्स की जो लेंथ है, क्योंकि ये कह रहे हैं, और उसकी लेंथ अगर इक्वल इक्वल जीरो है इसका मतलब कोई रिजल्ट नहीं है, तो उस केस में हम क्या दिखा देंगे नो रिजल्ट फॉर्म। अब हमको इनको स्विच कराना पड़ेगा प्रोडक्ट्स को, क्योंकि या तो सर्च रिजल्ट ही दिखेंगे या तो सारे रिजल्ट दिखेंगे। तो उसके लिए एक हम स्टेट बना लेते हैं शोइंग सर्च। तो इसके लिए बनानी होती है ये सर्च है, इसी से पता चल जाएगा अगर सर्च में कोई वैल्यू है। तो सर्च स्टेट में अगर कोई वैल्यू है तो इसका मतलब है हमें कौन से वाले प्रोडक्ट दिखाने, ये वाले। ये पूरा सिस्टम तभी चलेगा जब हेडर कैटेगरीज और ये ठीक है, अगर सर्च में कुछ वैल्यू होगी तभी ये चलेगा, एंड ये पूरा सिस्टम भी तभी चलेगा जब सर्च में कुछ वैल्यू होगी। बस ये चेक लगाना है सिंपल। ठीक है, अब ये बोल नहीं रहा कुछ भी। अब मैं चलता हूँ एच सर्च करता हूँ, अभी तो बोला नो रिजल्ट फाउंड, क्लिक किया रिजल्ट आ गए। चाहिए ऐसा क्योंकि मैंने एच लिखा, एक मिनट रिफ्रेश करके देखते हैं। अब इसने बोला ऑल रिजल्ट्स, मैंने लिखा एच। अच्छा एच लिखते हैं एक्चुअली इस सर्च की स्टेट में वैल्यू आ जाती है, तो इसलिए ये बोलने लगा नो रिजल्ट्स फॉर्म। क्लिक किया एपीआई, सर्च रिजल्ट्स आ गए। सर्च पे नहीं डिपेंडेंसी रहेगी, क्योंकि वो तो चेंज हो जाती है तुरंत, वैल्यू डालते ही चेंज हो जाती है, और एपीआई से कॉल हुई या नहीं वो पता नहीं चलता। इस एक बना लेते हैं इस सर्च, मतलब ये जो रिजल्ट्स आए हैं क्या सर्च से आए हैं, और ये ट्रू कब होगा जब इनिशियली क्या रहेगा ये फॉल्स। तो शुरू में मतलब सर्च से जो रिजल्ट आए वो फॉल्स रहेंगे, सर्च
सर्च पे नहीं डिपेंडेंसी रखेंगे, इस सर्च पे रखेंगे। अब इस सर्च वाले रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं, मैं यहाँ पे एच पे क्लिक करूंगा, अब भी नहीं दिखेगा वो, कुछ नहीं दिख रहा ना वो। वैसा किस लिए? क्योंकि मैंने उसको किया हुआ है फॉल्स। तो जब अभी मैंने इसको फॉल्स किया हुआ है तो वो दिख नहीं रहे रिजल्ट, तो मुझे दिखाने का मैं, जब मेरा सक्सेसफुली डेटा आ जाता है यूज फैक्ट में जाता हूँ, जब मैं सर्च से डेटा लेके आऊंगा तो मैं यहाँ पे, ये रहा मेरा सेट प्रोडक्ट्स, इसमें आ गया, मैं इसको ट्रू कर दूंगा साथ में, ठीक है। एक तो प्रोडक्ट को डाल दूंगा और इसको ट्रू कर दूंगा। जैसे इसको ट्रू करूंगा तो सर्च वाले रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। ये वाले जो रिजल्ट्स हैं ये हमें हटाने हैं, इसमें लगा दें नॉट का चेक, सेट इस सर्च नहीं इस सर्च, ठीक है। और ऑल रिजल्ट्स भी इसको हटा देते, इसकी जरूरत नहीं है, हमने डिफरेंशिएट कर दिया है ऑटोमेटिकली खुद ही। ठीक है, अब चलते हैं। शुरू में हम इसमें आए, ये सारे रिजल्ट हमें दिख रहे हैं। अब हम गए पीटीओपी लैपटॉप में, इसको सर्च किया, अब सिर्फ एक दिख रहा है, सर्च रिजल्ट्स एक दिख रहा है, बाकी वो ऑल रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं। वापस होम पे जाते हैं, सर्च रिजल्ट पे क्लियर रिजल्ट्स का एक फिल्टर बनाना पड़ेगा हमें, जिससे हम करेंगे क्लियर फिल्टर। एच पे क्लिक किया, सर्च किया, सर्च से डेटा आया, सर्च में सारे रिजल्ट दिख गए और वो वाले रिजल्ट हट भी गए, लेकिन क्लियर रिजल्ट्स करने का भी एक ऑप्शन हम लोग देते हैं, जिससे हम लोग इसको हटा दिया करेंगे अगर रिजल्ट नहीं चाहिए। या फिर कोई और तरीका सोच सकते हैं हम लोग क्लियर करने का रिजल्ट्स में, अगर डेटा आ गया है तो इसको क्लियर कर दें। अभी भी नहीं दिख रहा वो, क्योंकि एक बार एक ऐसे डेटा आया वो स्टेट चेंज हो जाती है और फिर वो उसको क्लियर करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा उसको, उस स्टेट को चेंज करना पड़ेगा किसी की हेल्प से। यहाँ पे कुछ बना देते हैं, आ गया यहाँ पे, जब सर्च रिजल्ट आएंगे साथ में इसी के आगे एक दिखा देते हैं, एक छोटा बटन दिखाते हैं, दिखा देते हैं क्लियर CLEA। ये करेगा क्या ऑन क्लिक पे, इसका सिंपल सा फंक्शन होगा बस, ये जो हमारा सेट इस सर्च है इसको वापस से फॉल्स कर देगा, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तुरंत रिजल्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं, ठीक है। अभी मैंने एच किया, सर्च में गया, सर्च रिजल्ट्स भी आ गए, साथ में मेरे पास क्लियर का ऑप्शन भी आ गया, मैंने इसको क्लियर किया, फिर से मेरे पास मेन वाले रिजल्ट्स आ गए। अब मैं फिर से सर्च पे क्लिक करूंगा, सर्च के अंदर आ गया, क्लियर करना, क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम सर्च की फंक्शनलिटी को हैंडल करते हैं। सर्च की फंक्शनलिटी तो ओके हो गई, अब वो क्लियर बटन का थोड़ा स्टाइलिंग वगैरह हम लोग फिक्स कर लेंगे बाद में, ऐसा कर सकते हैं, इसके स्टाइल्स लगा सकते हैं उस पर भी। तो इसकी क्लास देख लेते हैं, इसमें कौन सी क्लास है, वही इस पर लगा देते हैं, क्लास नेम इक्वल, इसमें लिखी थी बीटीएन पे
सर्च बिगिन वाली क्लास लगा दूं क्या उस पे, देखते हैं कैसा लगता है इसके साथ। और अच्छे से सर्च करते हैं, दो डेटा आया चेस्ट वाले में, इस पे तो लगा ही नहीं चाहिए सर। अच्छा ये क्लास हेडर में है, इसको इसको यहाँ भी उसको सर्च की जगह कर देते हैं CLEAR क्लियर BTL। इसका मैंने क्लियर BTN कर दिया, अब ये क्लियर BTN को यूज कर लेते हैं, ये इस बार वर्क करेगा क्लियर BTN CLEAR क्लियर BTN। चलिए इसकी स्टाइलिंग थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी, क्लियर बीटन वैसे भी छोटा सा दिखाना होता है, हाइट इसकी ज्यादा लगा दी हमने, हाफ हाइट करते थे 24, बॉर्डर नन पैडिंग वगैरह ये सब ठीक है, बैकग्राउंड कलर इज ओके, जो बॉर्डर रेडियस है वो सारी एक ही जैसी रखेंगे, अलग अलग नहीं दिखाएंगे, चारों कोनों के अलग अलग दिखा रहे थे ना, इसको हटाते हैं, एक ही जैसा लगा। ओके ठीक है, इसको मार्जिन लेफ्ट दे देते हैं थोड़ा सा और मार्जिन टॉप, ठीक है अब ये ठीक, अब क्लियर का फ़ॉन्ट साइज काफी बड़ा है, उसको कम करते हैं, हाइट विड्थ विद फ़ॉन्ट साइज कहां से डिसाइड किया हमने इसके अंदर, हाइट विड्थ कलर बॉर्डर, तो उसका फ़ॉन्ट साइज 10 पिक्सल कर देते हैं, हाँ ऐसे ही दिखे 10x12 तो कर ही देते हैं कम से कम, पे गए इसको सर्च किया। ओके ये क्लियर करने पे क्लियर हो जाएगा, ओके नाउ ये अब ठीक है, सो ये वाला फंक्शन ये वाला काम तो हुआ, कैटेगरी पेज और बनाते हैं, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तुरंत हम कैटेगरी पेज पे चले जाएंगे, और जो काम होम पेज पे करें ना सेम टू सेम वैसे ही करेंगे, बस एक छोटा सा चेंज हो जाएगा, उसमें हम कैटेगरी के हिसाब से फिल्टर करेंगे, इसमें हम ऑल रिजल्ट निकाल लें, उसमें सिर्फ कैटेगरी के रिजल्ट निकालेंगे, तो जैसा ये होम पेज है वैसा ही बनेगा, जो कैटेगरी का पेज है वो बिल्कुल होम जैसा ही होगा, कंट्रोल ए कंट्रोल सी कैटेगरी पेज, कैटेगरी पेज और वापस से इसको लेके आके लाते हैं, ठीक है अब कैटेगरी पेज होगा, इसकी कॉलिंग कराते हैं यहाँ से, होम पेज कैसे कॉल करा हमने, ये कॉल कराया, ये कॉल होगा हमारा CFTO कैटेगरी स्लैश और कॉलन कैट आईडी नहीं कैटेगरी का नेम, क्योंकि ये तो नेम से ही सर्च हो जाएगा, और होम पेज नहीं कॉल कराएंगे, इस पे कौन सा कॉल कराएंगे, कैटेगरी नेम कैटेगरी पेज ही रहा, इसको इंपोर्ट भी कर लेना है यहाँ से। चलिए अब जैसे अब ये लिंक बनाना है हमें, जैसे हम क्लिक करेंगे उन सब पे, ये रही हमारी कैटेगरीज कमी कैटेगरी,
अब कैटेगरी केस में हम क्या करते हैं, इसके क्लिक पे हम लोग यहीं पे डेटा फिल्टर करा देते हैं। अब हम यहाँ पे नहीं करेंगे, अब इसका काम सिर्फ ये रहेगा कि नए पेज पे लेके जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो हम स्लैश कैटेगरी उस वाले पेज पे चले जाएंगे। तो इस पे मैंने ऑन क्लिक लगाया हुआ था, ये रहा प्रॉप्स में जो कैटेगरी मेरे पास आती थी आइटम, हम लोग को क्या कराना, नेविगेट कराना, नेविगेटर नहीं है क्या इसमें, नहीं है, यूज नेविगेट चाहिए हमें, कॉन्स्ट नेवी गेट इक्वल यूज नेविगेट, इसको इनिशियलाइज किया, अब इसको यूज कर सकते हैं हम। नीचे यूज नेविगेट को निकाला, यहाँ पे इनिशियलाइज किया, अब नेविगेट का इन स्मॉल में रखेंगे, स्पेलिंग्स का ध्यान रखना। अब इसका नेविगेशन बनाते हैं, स्लैश स्लैश कैटेगरी तो फिक्स ही है, स्लैश कैटेगरी फिक्स है, बस प्लस में कैटेगरी का नेम और होना चाहिए और कुछ है, ऑन क्लिक पे बस नेविगेट ही कराना है। राइट, इस पे क्लिक किया, स्लैश कैटेगरी स्लैश और लगाना है इसमें, स्लैश कैटेगरी क्या स्लैश, कैटेगरी वाले पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या निकालना है, बस हमें वो चाहिए, क्या कहते हैं, यूज पैरम्स में है ना वो, तो यूज पैरम्स से हम लोग निकाल सकते हैं। param equal use param और इसको कंसोल कर लेते हैं, अच्छा बैक जाते हैं, दोबारा जाते हैं, तो स्लैश कैटेगरी स्लैश मोबाइल्स, स्लैश कैट की और की स्पेलिंग गलत हो गई, कैटेगरी इसमें जाते हैं कैट गोरी, तो स्पेलिंग्स का ध्यान रखना वरना एरर्स आती रहेंगे। मोबाइल्स पे स्लैश कैटेगरी स्लैश मोबाइल और हम यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन यहाँ इसमें क्या हो रहा है कि सारा डेटा आ रहा है, क्योंकि होम पेज जैसा ही ना, तो सारा डेटा नहीं मंगाना हम लोगों ने, बस इसमें आते हैं कैटेगरी पेज में और मैंने कंसोल किया हुआ पैरम को, सो यूज पैरम्स को निकाला, कंसोल किया, देखिए मेरे पास कैटेगरी नेम आ गया, कैट नेम, तो ये कैटेगरी नेम मैं बैकएंड को भेज देता हूँ। गेट प्रोडक्ट्स क्वेश्चन मार्क कैट नेम इक्वल प्लस कैट, कैट नेम कहां से निकलेगा, यहां से पैरम में है वो, पैरम डॉट कैट नेम, तो इस बार जो सर्च की एपीआई है, जो प्रोडक्ट्स में गेट कर रहा हूं उसमें मैंने कैटेगरी नेम और भेज दिया है, तो उसी के हिसाब से मुझे डेटा आना चाहिए बस, अगर कैटेगरी नेम जाता है तो। देखिए एक ही एपीआई से काम चल जाएगा, चलते हैं हम बैकएंड में, ये रहा हमारा जो गेट प्रोडक्ट की एपीआई है, ये रही हमारी गेट प्रोडक्ट की एपीआई, इसमें रिक्वेस्ट में कुछ नहीं आता था। अब देखते हैं, लेट कॉन्स्ट और गेट कैट नेम इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट कैट नेम, तो इसमें अब दो चीजें हो जाएंगी, इफ एल्स का केस बन जाएगा। इफ पहले हम कंसोल करके देख लेते हैं अपनी कैटेगरी, इसको कैट नेम को ये मिल रहा है हमें बैकएंड पे आने, ठीक है स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, कैट नेम, ठीक है यहाँ पे आ जाएगा वो,
अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ। मोबाइल्स कैटेगरी वहां पे दिख जानी चाहिए, ठीक है। उसने सर्वर बोला क्योंकि मैंने रेस्पॉन्स नहीं किया वहां से कुछ। कैटेगरी नेम मिला हमें नहीं, अच्छा चलो पैरम्स में नहीं है, वो क्वेरी में है, ये क्वेश्चन मार्क लगा है उस पर। एपीआई में क्वेरी में ये, इस पर कंफ्यूज मत होना, ये फ्रंट एंड की यूआरएल के लिए, बस जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो जब एपीआई कॉल कर रहा हूँ उसमें इसमें मैंने भेजा है, ठीक है, कैट नेम इक्वल मोबाइल्स ये भेजा है क्वेरी में, तो ये कैट नेम यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट कैट नेम। चलिए इसको रिफ्रेश करते हैं। अब बैकएंड पे मोबाइल्स, ठीक है, मोबाइल्स की कैटेगरी आ गई। तो ये प्रोडक्ट्स हैं, जो प्रोडक्ट्स के अंदर जो है, चल के देखते हैं एक बार नेटवर्क में, अगर हम यहाँ पे जाके देखें गेट प्रोडक्ट्स, अभी मुझे क्या कर, मुझे मिल रहे होंगे सारे प्रोडक्ट्स, ठीक है। देखिए कोई भी प्रोडक्ट जिसकी जो कैटेगरी है वो क्लॉथ है वो भी मिल रहा है, सब सब मिल रहे हैं, जिसकी कैटेगरी जो भी है सब मिल रहे हैं, लेकिन मुझे कौन से चाहिए जिनकी कैटेगरी कैट नेम के इक्वल हो, तो जो फ्रंट एंड से मैंने भेजा उसके इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें मैंने क्राइटेरिया लगा दिया मैचिंग का क्राइटेरिया फाइंड में। अब चलते हैं मोबाइल्स पे जाते हैं, होम पे जाते हैं पहले, सबसे पहले इसको क्लियर करते हैं सारे रिजल्ट्स को। मोबाइल्स में गए, अब मोबाइल्स में आए, अच्छा मोबाइल्स नाम की कैटेगरी में कुछ नहीं है, बाइक्स में फ्रेश करते हैं। तो कौन सी कैटेगरी में है रिजल्ट्स, मोबाइल्स में तो है रिजल्ट मेरा मोबाइल्स, प्रोडक्ट्स एम्प्टी क्यों है, अच्छा कैटेगरी स्पेलिंग फिर से गलत है, कैटेगरी ठीक है, इसलिए नहीं फाइंड हुआ बोल रहे थे। मोबाइल्स पे गए, अब मोबाइल्स कैटेगरी के दो रिजल्ट आ गए, दोनों मोबाइल्स के हैं। प्लॉट पे जाते हैं, देखिए अब मैं दूसरे पे जैसे क्लिक कर रहा हूँ कुछ भी एपीआई कॉल नहीं हो रही है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे, अब चलते हैं इसका रोल, जो फ्रंट एंड है हमारा वहां पे जो पैरम है ये चेंज हो रहा है, लेकिन एपीआई कॉल दोबारा नहीं हो रही, क्योंकि मैंने जो एपीआई कॉल लगाई है वो सिर्फ एक बार लगाई हुई है यूज इफेक्ट में, ये एपीआई सिर्फ एक बार कॉल होती है, बार बार नहीं कॉल होती। अगर इसको बार बार कॉल करवाना है तो इसको बताना पड़ेगा कि कब दोबारा कॉल होना है, मैं इसको बोल रहा हूँ जब भी पैरम की वैल्यू चेंज हो तभी दोबारा कॉल हो जाना, ये होता है डिपेंडेंसी एरे, इसका यूज एक्चुअल में ये होता है, मतलब जब भी पैरम चेंज होगा ये तुरंत दोबारा कॉल होगा। अभी हम बाइक्स पे हैं, अब हम मोबाइल्स पे, जैसे मोबाइल्स पे लेकिन दोबारा कॉल होने लगा ये, अब बाइक्स पे गए, बाइक्स के लिए इसने फिर से एपीआई कॉल कर दी, ओके मोबाइल्स पे गए, सॉरी किसी पे भी क्लिक कर दे, सेल पे गए, सेल में कुछ नहीं, रेंट पे गए, रेंट में कुछ, टूलेट में कुछ नहीं, लैपटॉप में एक होगा प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं है, मोबाइल्स में है दो, क्लोथ में भी दो है, बाइक्स में भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से कैटेगरी के हिसाब से हमारे अलग अलग पेज बन गए, प्लस कैटेगरी स्लैश क्लोथ स्लैश मोबाइल स्लैश ये, तो इसमें सिर्फ मोबाइल दिखेंगे। सो कैटेगरी के पेज अलग हुए, अब बात आती है कि अब हम डिटेल्स कैसे दिखाएं यूजर की, क्योंकि यूजर को अगर कांटेक्ट करना है तो डिटेल दिखाना पड़ेगा, तो वो चलते हैं हम अपने ऐड पे यहाँ पे, ठीक है। जब प्रोडक्ट हम ऐड करेंगे, प्रोडक्ट ऐड, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट कैटेगरी और ये सब चीजें, तो साथ में जब हम इसको सबमिट करेंगे
प्रोडक्ट को, तो साथ में आईडी भी भेज देंगे, यूजर की आईडी। ठीक है भाई, यूजर की आईडी यूजर से लेने की जरूरत नहीं है, इनपुट कराने की जरूरत नहीं है, वो हमारे पास लोकल स्टोरेज में पड़ी हुई है। यहाँ पे कहाँ गया, एप्लीकेशन में चलते हैं, लोकल होस्ट ये पड़ा हमारा यूजर आईडी, यहाँ से उठा लेंगे, यहाँ से उठा के भेज देंगे साथ में। तो अभी तक तो हम ऐसा नहीं कर रहे थे, लेकिन अब करेंगे। और प्रोडक्ट का जो अब स्कीमा होगा उसमें कैटेगरी का सपोर्ट भी लाना पड़ेगा। अब ये कैसे होगा, उसका टेबल जो है उसका कॉलम बनाना पड़ेगा। चलिए टेबल को थोड़ा चेंज करते हैं, तो बैकएंड पे ये रही टेबल, इंडेक्स नोड वाले में चलते हैं। तो जो प्रोडक्ट की टेबल है ये रही, तो इसमें है नेम है, डिस्क्रिप्शन है, स्ट्रिंग है, कैटेगरी है, प्लस नेम है, साथ में इसमें एडिड बाय, मतलब किस यूजर ने इसको ऐड किया है वो भी इसके अंदर हम डालेंगे। और ये रहेगा एक, इसका टाइप रहेगा ये, बस एक फील्ड और ऐड कर लेंगे, तो स्ट्रीम ही रहेगा वो, एडिट बाय टाइप करेगा। और अगर रेफरेंस भी देना है तो रेफरेंस भी दे सकते हैं, टाइप तो रहेगा यही ऑब्जेक्ट आईडी टाइप का, और जो प्रोडक्ट है उसकी जरूरत नहीं है। चलिए इतने से ही काम चल जाएगा। यहाँ पे बस हमने यूजर की आईडी सेव करनी है, इतना याद रखना है, एडिट बाय में ये आईडी सेव होनी चाहिए किसी तरीके से, जब हम प्रोडक्ट पे को ऐड करते हैं। ये रहा हमारा प्रोडक्ट ऐड करने का लॉजिक, और यहाँ पे अब हमारे पास यूजर आईडी भी आएगी। आईडी से हमारा मतलब है एडिट बाय नाम से भेजेंगे, यानी जो हम यहाँ रखेंगे वो तो एडिट बाय रखेंगे, लेकिन फ्रंट एंड से क्या करें, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूजर, जैसे बाकी फील्ड आ रहे हैं वैसे ही आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे कर देते हैं एडिट। एडिट बाय में इसकी वैल्यू चली जाएगी। बस एक फील्ड और ऐड हो गया, इसको ऐड करा देंगे। और सिंपल एक एक सिंपल फील्ड है, ये था लाइक प्रोडक्ट था एक एरे, ये सिंपल एक बस ये रखना है, क्योंकि एक प्रोडक्ट को एक ही यूजर ऐड करेगा, लाइक प्रोडक्ट तो एक यूजर एक से ज्यादा कर सकता है, तो इसलिए एरे रखा था। चलिए अब एपीआई इज डन। अब फ्रंट एंड से जब हम प्रोडक्ट को ऐड करेंगे, यानी ऐड प्रोडक्ट में चलते हैं, ये राइट प्रोडक्ट, हैंडल एपीआई या पी इमेज, साथ में यूजर आईडी, और ये कहां से मिलेगी हमें, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। अब ये यूजर आईडी वहां पहुंची कैसे है, जो हमने लॉगिन किया था तब सेव करवाई थी, ठीक है, वहां से गेट की उस यूजर आईडी को, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम यूजर आईडी, और अपेंड करा दी इस फॉर्म डेटा में, और आगे भेज देंगे। चलते हैं प्रोडक्ट को ऐड कराते हैं, फ्रेश करते हैं। प्रोडक्ट विद यूजर आईडी डिस्क्रिप्शन, दिस इज द प्रोडक्ट प्राइस, दिस इज 120, कैटेगरी बाइक्स में कुछ नहीं था, बाइक्स कैटेगरी सेलेक्ट कर लें या बोथ। अब एक चीज हम देख रहे हैं, यहाँ हमारे पास तीन ही कैटेगरी है, जबकि वहां हमारे पास कितनी कैटेगरी थी, बहुत सारी थी, तो वो कैटेगरी यहाँ भी डिफाइन कर देते हैं एड प्रोडक्ट में ना, यहाँ पे भी हम लूप चला के शो कराएंगे।
सबसे पहले तो कैटेगरीज को गेट कर लेते हैं। कैटेगरीज, ये कैटेगरी लिस्ट है ना, वहां से गेट कर लेते हैं। कैटेगरी लिस्ट में हमने कैटेगरीज को भेज रखा है यहाँ से। देखिए जितनी भी कैटेगरीज हैं यहीं से यूज करेंगे सब, चेंजेस नहीं होंगे उसमें। ऐसा नहीं होगा कि हम ऐड यूजर को सेलेक्ट करने के लिए कैटेगरी का ऑप्शन दे ही नहीं रहे। यूजर को कितने ऑप्शन दे रखे हैं, बस दो तीन जो हमने हार्ड कोड लिखे हुए, तो इनको इंपोर्ट कर लिया हमने। कैटेगरीज में यहाँ सी लगा लेते हैं, स्मॉल में। ये नेम हमारे हाथ में, हम कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे। इंपोर्ट किया कैटेगरीज, और डबल एंड, अगर कैटेगरीज की जो लेंथ है ग्रेटर देन जीरो, कैटेगरीज डॉट मैप, सिंपल वही मैप कराना है इसमें भी। मैप के अंदर एक फंक्शन कॉल होगा, वही रिटर्न। अब इसमें रिटर्न क्या करेंगे, इसमें ऑप्शन रिटर्न करेंगे की में डाल देंगे। चलिए सो इसमें चलते हैं, आइटम कॉमा इंडेक्स, की को बना देते हैं हम ऑप्शन प्लस इंडेक्स, तो ये ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन वन ऑप्शन टू, इस तरीके से। सो ये तो होगी की। अब इसके अंदर इसकी डाल देते हैं एक्चुअल वैल्यू दिखेगी, जो कि होगी आइटम के। चलिए देखते हैं हम कितने ऑप्शन दिखते हैं फ्रंट एंड पे। फ्रंट एंड पे चलते हैं, या मोर देन वन ऑप्शन, वो सारे ऑप्शन दिखेंगे हम यहाँ पे। देखिए सारे ऑप्शन आ गए, सबको लूप चला के शो करा दिया हमने। ओके सो प्रोडक्ट नेम विद यूजर आईडी, डिस्क्रिप्शन दिस इज विद यूजर आईडी, इसमें यूजर आईडी भी सेव कर रहे हैं 120। कैटेगरीज में हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं बाइक्स, क्लोथ, रेंट में कुछ भी नहीं था, रेंट में डाल देते हैं इमेज। और एक काम करते हैं, एक से ज्यादा इमेजेस लेते हैं, क्योंकि एक प्रोडक्ट की एक इमेज थोड़ी होती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो एक और ऑप्शन बना देनी चाहिए, वो इमेज वाला है, टाइप इक्वल टू फाइल। अब हमारे पास यहाँ दो ऑप्शन है, या तो हम ये जो इनपुट है इसी को ही मल्टीपल वाला कर दें, या फिर एक और ऑप्शन ले लें यहाँ। सो इसका नाम रख देता हूँ इमेज टू, सेकंड इमेज, ये फर्स्ट इमेज, ये सेकंड इमेज, और स्टेट भी दो बनानी पड़ेंगे। और इसका नाम भी टू रख देंगे, पी इमेज और पी इमेज टू। अब इन पी इमेज टू को भी भेजेंगे साथ में, जैसे इसको अपेंड किया था वैसे ही, पी इमेज टू, और ये सेकंड इमेज है। ठीक है, तो जितनी जगह पे ये पी इमेज है उतनी जगह पे ये भी होना चाहिए। चलिए यहाँ पे है जहां जहां ये है पी इमेज, तो पी इमेज टू, प्रोडक्ट इमेज, प्रोडक्ट सेकंड इमेज, तो इस तरीके से इधर से हम भेज देंगे। अब बैकएंड पे भी तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा मल्टीपल इमेजेस को। प्रोडक्ट के साथ साथ अब ये हो जाएगा पी इमेज, तो भी एक स्ट्रिंग रहेगा। तो एड प्रोडक्ट में
यहाँ पे हम रिक्वेस्ट डॉट फाइल को पहले देखते हैं उसमें क्या आता है। रिक्वेस्ट डॉट फाइल, चलिए और इसके आगे का कोड करा देता हूँ मैं भी रिटर्न। तो फ्रंट एंड से मैंने भेज दिया चीजें और रिक्वेस्ट बॉडी को भी प्रिंट कर लेते हैं, इससे हमें पता लग जाए कि बॉडी में क्या रहा है और फाइल्स में क्या रहा है, क्योंकि हमने दो फील्ड ऐड किए, एक तो इमेज टू और एक एडिट बाय। दोनों को यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं पहले फ्रंट एंड से, ये तो क्लियर हो गया। चलिए फिर से बोल लेते, कोई बात नहीं, विद टू इमेज एंड वहां पे हमें देखना सारी यूजर आईडी वगैरह ये सब चीजें जाती हैं नहीं जाती। प्रोडक्ट प्राइस 1-2, कैटेगरी रेंट, एक इमेज मेरा होम की में डाल देते हैं, दूसरा ये डाल देते हैं, सो करते हैं सबमिट। ठीक है, अभी बोला सर्वर, अब बैकएंड पे चल के देखते हैं क्या क्या हमें डेटा मिल रहा है। मल्टर एरर, अब क्योंकि हम अपलोड डॉट सिंगल नहीं कर रहे हैं, एक से ज्यादा अपलोड कर रहे हैं, तो मल्टर में देखते हैं एक से ज्यादा जब एक्सेप्ट करने होते तो कैसे करते हैं। मल्टर मल्टी फाइल अपलोड, सो एक से ज्यादा अगर एक्सेप्ट करनी होगी तो बस एक छोटा सा चेंज करना पड़ेगा, एक अपलोड ओके। सो सिंगल एक्सेप्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं रिक्वेस्ट डॉट फाइल, और मल्टीपल एक्सेप्ट करने के लिए हम लोग करते हैं यहाँ पे चेंज करेंगे फील्ड्स। सो अगर एक से ज्यादा इमेजेस हम अपलोड करने वाले तो फील्ड्स कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ हमें डिफाइन करने होंगे वो हमारे फील्ड्स। तो सबसे पहले नेम डिफाइन कर देंगे, तो नेम तो हमारा इमेज कॉमा दूसरा ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट का नेम क्या रहेगा वो रहेगा पी इमेज टू। अब फाइल नहीं, फाइल्स में मिलेगा हमको क्योंकि एक से ज्यादा फाइल्स होगी, तो चलिए अब अपलोड करके देख लेते हैं। तो ये सारा एंट्री भर लेंगे, सबमिट कर देंगे, बैकएंड पर जाएंगे, तो इस तरीके से हमें दोनों चीजें मिल गई। देखिए पी इमेज एक एरे है, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है, पी इमेज टू एक एरे है, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है। तो पी इमेज जो हम फाइंड कर रहे थे वो मिलेगा हमें फाइल्स, सो रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स के अंदर से पहला एलिमेंट उठा लेंगे, क्योंकि एरे है, एरे के अंदर पहला एलिमेंट है, उसके अंदर से हमें सिर्फ पाथ चाहिए तो पाथ ले लेंगे। सेम चीज अब कर देंगे हम इसमें पी इमेज टू में, तो पी इमेज टू में नहीं, रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स, फाइल्स के अंदर है पी इमेज, रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स डॉट पी इमेज, और पी इमेज कह रहे हैं उसके अंदर से पहला एलिमेंट उठा लेंगे, ऐसे रिक्वेस्ट डॉट इमेज डॉट पी इमेज टू, और इसके अंदर से 0 नंबर उठा लेंगे। सो रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स डॉट पी इमेज टू, और इसमें से भी हमें सिर्फ पाथ चाहिए। ठीक है, जैसे हम रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट पाथ, क्योंकि एक ही करते तो सिंगल मिल जाता था, अब मल्टीपल कर रहे हैं तो इसलिए ऐसा होगा। रिटर्न को हटा देते हैं, अब यूजर आईडी मिली या नहीं मिली वो और चेक कर लेते हैं। ये यूजर आईडी भी मिल गई है, यूजर आईडी है हमारे पास, तो यूजर आईडी को भी एडिट बाय में चली जाएगी यूजर आईडी। चलो अभी एपीआई
चलनी चाहिए। हाँ इस पर पी इमेज, पी नेम, पी प्राइस, पी इमेज, और पी इमेज तो भी तो रखना है। तीन छह सात फील्ड ऐड होने चाहिए। चलिए इसको उठाते हैं और इसको किया ऐड, तो सेव, सक्सेस आ गया। सर्च क्यों नहीं है, क्या कर रहा है? अच्छा गेट प्रोडक्ट्स की। देखो गेट प्रोडक्ट की एपीआई में एक्चुअली हमने कैटेगरी नेम लगा दिया है, तो दूसरी वाली एपीआई खराब हो गई। इसको अब ऐसे लगाएंगे हम, इफ एक ले लेंगे, लेट स्कोर एफ इक्वल एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे। अगर इसमें कैटेगरी नेम होगा, यानी हमको रिजल्ट में अगर कैटेगरी नेम मिलेगा, तो इस अंडर स्कोर एफ के अंदर हम लोग इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, या इसको ऐसा कर देंगे डॉलर एफ इक्वल टू इसके इक्वल, ठीक है? तो कैटेगरी केस में डॉलर एफ ये रहेगा और उसके केस में रहेगा ये। इसको भी कर देते हैं अंडरस्कोर एफ, है? तो अगर कैटेगरी नेम आता है, ठीक है, इस तरीके से देखते हैं। सो इनिशियली तो क्या रहेगा ये, इस तरीके से अगर कैटेगरी नेम आता है एपीआई में, तो कैटेगरी ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ डाल देंगे फिर, ठीक है? तो दो ऑब्जेक्ट हमने अलग अलग बना दिए, कैटेगरी नेम एक आता है जिसमें, जिसमें नहीं आता एक वो। तो इस बार रिजल्ट्स मिलने चाहिए हमें, तो होम पेज पे हमें सारे रिजल्ट्स मिल गए, और कैटेगरी में जाएंगे तो मोबाइल्स कैटेगरी में हमें दो मिल गए, और रेंट वाले में भी हमें मिलना चाहिए, रेंट वाले में हमें एक ये मिल गया। अब अगर हम इसकी डिटेल पे जाएं, तो इस प्रोडक्ट की डिटेल में नेटवर्क में अगर हम देखें, गेट प्रोडक्ट कैटेगरी नेम, ये इस प्रोडक्ट की डिटेल आई है, एडिड बाय, देखिए इसमें एडिड बाय भी आ रहा है, कैटेगरी भी आ रही है, कैटेगरी तो थी पेडिग्री, इसमें दो इमेज आ रही है, एक इमेज दो इमेज, तो हम दो इमेज शो करा सकते हैं इसमें। इसको हम कैरोसेल बना के भी शो करा सकते हैं, ठीक है? कैरोसेल बना सकते हैं, इधर क्लिक करने पे दूसरी इमेज आए। अभी हम इसी को इसमें दो दिखा देते हैं, हम फ्रंट एंड पे चलते हैं, पहले तो दो इमेज दिखाते हैं फिर यूजर की डिटेल दिखाते हैं। कैटेगरी पेज क्या था, वो था प्रोडक्ट की डिटेल पेज, ये रहा प्रोडक्ट की डिटेल। तो ये इमेज हमने दिखाई, ये ठीक है, इसके नीचे एक और इमेज दिखा देते हैं, बस इसका यूआरएल पी इमेज टू हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। हाइट इसकी कर देते हैं हम लोग 400, 200 कर देते हैं, चलो दोनों इमेज दिखनी चाहिए। उसके दोनों इन इमेजों के दोनों तरफ बॉर्डर्स बना देते हैं, चलो कोई नहीं, ये तो स्टाइलिंग है, जितना चाहे अपना कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। अब हमें जो मेन चीज करनी है वो है एक बटन बनाना है, यहाँ पे एक बटन बनाएंगे शो कॉन्टेक्ट डिटेल्स, जिसके क्लिक पे डन,
कॉन्टैक्ट। यहाँ चलते हैं, एंटर कॉन्टैक्ट इक्वल यहाँ हमें चाहिए यूजर की आईडी, क्योंकि यूजर की आईडी के बेस पे हम लोग अब यूजर की आईडी लोकल स्टोरेज वाली नहीं है, जो इस जिसने इस प्रोडक्ट को ऐड किया, जो इस प्रोडक्ट के साथ है ये यहाँ पे है ये वो, तो इसको भेजने के लिए हम यहाँ से भेजेंगे उसको। जब हम हैंडल कॉन्टेक्ट को कॉल करेंगे तो यहाँ से भेज देंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डॉट किस नाम से आ रहा था नीचे पड़ा हुआ वो, ये था एडिट बाय नाम से आ रहा है, प्रोडक्ट डॉट एडिट बाय, और इसका चेक लगा लेंगे। मतलब अगर प्रोडक्ट के पास ये की है तभी ये शो कॉन्टेक्ट डिटेल की दिखाएंगे, वरना नहीं दिखाएंगे, वरना एरर आने लगेगी। इसमें चलते हैं, डबल एंड लगा देते हैं। प्रोडक्ट डॉट एडिट बाय है तो ऑन क्लिक करेंगे, हैंडल एडिट बाय पे जाएंगे, हैंडल कॉन्टेक्ट में आएंगे, यहां से हमें ये एडिट बाय मिला, इस एडिट बाय को कर देंगे ऐड। देखते हैं भी हमें मिलता है या नहीं, तो रिफ्रेश करना पड़ेगा। हैंडल कॉन्टेक्ट इज नॉट डिफाइंड, इसकी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई आई थिंक। अच्छा, इसका मैंने ये सिर्फ नाम नाम लिखा है, इसको एज अ वेरिएबल नहीं डिफाइन किया। चलिए इसको डिफाइन कर देते हैं। अब इस पे क्लिक करके देखते हैं, शो कॉन्टेक्ट डिटेल पे क्लिक किया, यहाँ पे कंसोल पे देखते हैं। अच्छा, ये आईडी प्रिंट हुई, कॉन्टेक्ट डिटेल पे क्लिक, आईडी प्रिंट हुई। अब आईडी के बेस पे हम क्या करेंगे, डिटेल्स निकाल के लाएंगे यूजर की, वो हम कैसे करते थे। अच्छा, यूजर डिटेल के लिए हमने कोई यही पे नहीं बनाई है, तो इस तरीके से चलिए यहां से निकालते हैं। किस तरीके से करेंगे, गेट यूजर, गेट यूजर और ये एडिट बाय भेज देंगे। अच्छा, ये प्लस लिखना भूल गया मैं, सो गेट यूजर और साथ में मैं आईडी भेज रहा हूँ यूजर की, URL हो गया, रेस्पॉन्स प्रोडक्ट की बजाय हमें मिलना चाहिए एक यूजर, इसको अभी मैं कमेंट ही कर देता हूँ, बाद में आके देखेंगे इसको। अगर एरर आएगी तो अलर्ट करा देंगे एरर को। ओके, तो इसकी एपीआई हमें बैकएंड पे बनानी पड़ेगी, क्योंकि अभी बैकएंड पे कोई एपीआई नहीं है। यूजर से रिलेटेड एपीआई हमने बना रखी होंगी, साइन अप लॉगिन वगैरह बनाई है जिस तरीके से, ऐसे बनाते हैं। ऐप डॉट गेट इसकी होगी, गेट यूजर मतलब यूजर डिटेल गेट करनी है, रिक्वेस्ट कॉमा रेस्पॉन्स,
लॉग इन में गेट की थी ना, यहाँ से उठा लेते हैं। यूजर डॉट फाइंड वन और डॉट देन और डॉट कैच, डॉट देन डॉट कैच। अब एक चीज बचती है, वो है कॉन्स्ट यूजर आईडी इक्वल। सो वो कैसे मिलेगी हमको, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, क्वेरी भेजा पैरम्स में भेजा हमने। देखो जिसमें हम क्वेश्चन मार्क को लगाते हैं ना, वो होता है क्वेरी, और अगर वैसा नहीं लगाया सिर्फ ऐड किया उसको तो पैरम्स, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट यूजर आईडी स्लैश कॉलन UID रख लेते हैं। अपना यहाँ पे हम कुछ भी नाम रख सकते हैं, जो भी नाम रखेंगे उसी नाम से यहाँ मिल जाएगी। से कहने का मतलब है, जब फ्रंट एंड से कोई भी URL हिट करेंगे जिसमें गेट यूजर होगा और साथ में कुछ आगे कुछ भी आगे लिखा होगा ना, तो उसको ये एज अ UID ट्रीट करेगा, और UID वो जो हम फ्रंट एंड से भेजेंगे वो हमेशा यूजर की आईडी ही भेजेंगे। तो रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट UID और यूजर की आईडी हमने भेज दी। यूजर में हम फाइंड करेंगे, यूजर की एक ही डिटेल होगी, तो ये जो यूजर आई डी है अंडरस्कोर आई डी से मैच कराएंगे हम, यूजर नेम से नहीं मैच कराएंगे। और ये यूजर आई डी, ठीक है, यहाँ यू आई डी लिखा रिक्वेस्ट और परम, तो यू आई डी इधर मैंने यूजर आई डी लिखा, तो ऐसे लिख सकते हैं, इसको कर देते हैं, इसको यूजर आई डी कर लेते हैं। रेस्पॉन्स में हम लोग क्या मैसेज करेंगे, सक्सेस, मैसेज में सक्सेस डाल देंगे, और इसमें हम लोग यूजर की डिटेल भेज देंगे। यूजर की डिटेल कहाँ मिलेंगे हमें, यहाँ पे रिजल्ट में, फाइंड में जो भी इस क्वेरी का जो भी रिजल्ट आएगा वो एक्चुअल में एक यूजर ही होगा। तो यहाँ से हम लोग रिटर्न कर देंगे यूजर को। अब यानी कि आईडी के बेस पे फाइंड करेंगे और इसको रिटर्न करा देंगे। फ्रंट एंड से हमने कॉल कराई है एपीआई, और चलिए देखते हैं एपीआई में क्या मिलता है। प्रोडक्ट नाम से मिल रहा है ऐसा क्यों, गेट यूजर, अच्छा ये गेट यूजर, ये नहीं वो आईडी, प्रीव्यू, ये रहा यूजर, यूजर की लाइक प्रोडक्ट भी आ रहे हैं, इसका पासवर्ड भी आ रहा है, यूजर का नेम भी आ रहा है। तो फिलहाल यूजर का नेम शो करा देते हैं, क्योंकि यूजर की टेबल में हमने फोन नंबर ईमेल ये सब चीजें भी दिखानी होंगी, वही तभी हम यहाँ पे वो सब चीजें दिखा पाएंगे यूजर को। फिलहाल हमारे पास आ रहा है यूजर के अंदर यूजर नेम, तो यूजर नेम हमारे काम का वो दिखा देते हैं। अब ये दिखाएंगे प्रोडक्ट की डिटेल में, देखिए इफ यहाँ पे लगा लेते हैं, इफ रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट यूजर, तो सेट यूजर, पहले जो डेटा है उसको स्टेट में रखेंगे, रिक्वेस्ट डॉट डेटा डॉट यूजर, ठीक है, ये सेट यूजर हो गया। अब इसको ऊपर स्टेट बना लेते हैं, जैसे प्रोडक्ट के लिए बनाई हुई है स्टेट, वैसे ही यूजर, यूजर कॉमा सेट यूजर, तो सेट यूजर, यूजर कॉमन सेट यूजर, ये तो रहा सेट यूजर, यहाँ से यूज किया। और रेस्पॉन्स में जो मिला हमें, कहाँ मिला, ये रहा यूजर में जो ये रेस्पॉन्स मिला हमने उसको स्टेट में सेट करा दिया पहले, तो पूरे यूजर को। अब चलिए उसको स्टेट में कंसोल करा दिया, अब इस स्टेट को कंसोल करा के देख लेते हैं कि इसमें कंसोल में हमारे पास क्या है, ये जो यूजर है इसके अंदर क्या है, ये वाला हम देख लेते हैं पहले। जैसे हम हैंडल कॉन्टेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये एपीआई कॉल आ जाएगी, और ये एपीआई हमारे लिए डेटा लेके आ जाएगी, यूजर का डिटेल्स लेके आ जाएगी। इसको करते हैं हम क्लियर,
यूजर का डिटेल आ गया यहाँ पे। अरे यहाँ तो कंसोल पे देखना है, देखिए कंसोल पे ये प्रिंट हो गया। इसके अंदर लाइक प्रोडक्ट, पासवर्ड, यूजर नेम, ये सब चीजें हम लोग दिखा सकते हैं। हालांकि हमें सिर्फ यूजर नेम दिखाना है, फोन नंबर, ईमेल, ये तीन चीजें दिखानी है, तो हम लोग दिखा देते हैं। दिखाएंगे कहाँ पे, शो कॉन्टेक्ट डिटेल्स के नीचे दिखा देते हैं, दिखाते हैं यूजर। उसके लिए पहले तो यूजर होना चाहिए, फिर डबल एंड, और यूजर के पास क्या होना चाहिए, यूजर के पास यूजर नेम होना चाहिए, तभी हम उसको दिखा पाएंगे। तब हम क्या दिखाएंगे उसको, एक HTML एलिमेंट में कन्वर्ट करके और उसमें दिखा देंगे यूजर नेम। चलिए यूजर नेम दिख जाएगा, MM आ गया। अब रिफ्रेश करते हैं, यूजर जब प्रोडक्ट पे आएगा वो शो कॉन्टेक्ट डिटेल पे क्लिक करेगा तो यूजर की डिटेल्स को दिख जाएंगी। ठीक है, अब सिर्फ अब हमें ईमेल और फोन नंबर और चाहिए, तो वो कहाँ से आएगा? तो जब हम यूजर को सेव कराएंगे तो वो सब चीजें हमें तभी ऐड करनी होंगी। ठीक है, चलिए यूजर को सेव कराते हुए, ये रहा यूजर का स्कीमा, भी थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। प्रोडक्ट वगैरह तो बनाए थे साथ में, अब यहाँ पे ठीक मोबाइल, ईमेल, ये दोनों फील्ड भी हम यूजर से मांगेंगे, मोबाइल एंड ईमेल। और जब यूजर को सेव करेंगे, यूजर को सेव कहाँ कर देते हम, साइन अप में, ये साइन अप केपीआई। तो यहाँ पे हमारे पास एक तो होगा ईमेल होगा, ईमेल होगा और मोबाइल होगा। यूजर नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, पासवर्ड एंड ईमेल इज ईमेल, दो दो बार लिखने की जरूरत नहीं थी, अगर सेम है तो मोबाइल इज मोबाइल। ठीक है, ईमेल और मोबाइल ही होना चाहिए, नाम लिखेंगे ईमेल मोबाइल, और ऊपर स्कीमा में भी सेम ही नाम होना चाहिए, ईमेल मोबाइल और ईमेल। चलिए देखते हैं, अब नया यूजर साइन अप कराएंगे, उससे प्रोडक्ट ऐड करवाएंगे, फिर उसकी डिटेल देखेंगे प्रोडक्ट की। अब जब साइन अप कराएंगे तो फ्रंट एंड पे चलते हैं, फ्रंट एंड कहाँ गया हमारा, फ्रंट एंड होगा हमारा यूजर का साइन अप, जीरा साइन अप। इनपुट में पहले तो कुछ क्लासेस लगा देते हैं, ये काफी फॉर्म कंट्रोल कंट्रोल। चलिए ये हो गया होम पेज, लॉग आउट कर लेते हैं। लॉग आउट करने के बाद आ गए हम लोग, ये कहते हैं लॉग इन पेज, साइन अप पेज पे चलते हैं। ये रहा हमारा साइन अप पेज, यूजर नेम, पासवर्ड, इसको थोड़ा पैडिंग दे देते हैं जिससे सेंटर में आ जाए। P3 मार्जिन 3, ठीक है। चलिए चलते हैं, और ये पूरा ही हमने दे दिया उसको, पूरे पेज को नहीं, एक्चुअली हमने किसको देना है, बस हेडर वेडर नहीं इंक्लूड करने उसमें, ये किसको देना है, हेडर हटाना है, वेलकम टू साइन अप पेज। ओके, यहाँ से एक नया बना लेते हैं डिफ, उसको क्लास नेम दे सकते हैं, और इस डिफ को क्लोज कहाँ करना है, इस वाले डिफ से पहले, अभी थोड़ा बेटर दिखेगा। ठीक है, साइन अप का स्टाइलिंग भी थोड़ा सा लगा देंगे,
दिस इज यूजर नेम पासवर्ड एंड साइन अप। चलिए स्टाइलिंग बाद में करते रहेंगे, पहले हम लोग इसका काम कर लेते हैं। यूजर नेम पासवर्ड और हमें चाहिए क्या, मोबाइल यूजर नेम मेरा यहाँ तक था, इसको कॉपी करके नीचे बना लेते हैं। यूजर नेम पासवर्ड इसको बना लेते हैं मोबाइल। मोबाइल के लिए हम लोगों ने बनाना होगा मोबाइल कॉमा सेट मोबाइल। मोबाइल कॉमा सेट मोबाइल और ईमेल कॉमा सेट ईमेल। यहाँ पे लिख लेंगे हम ईमेल पासवर्ड मोबाइल, ये सब चीजें हमने बना ली। क्लास नेम लगा देते हैं btn कॉमा btn प्राइमरी। ये सेम चीज पासवर्ड हो गया, ईमेल मोबाइल कॉमा सेट मोबाइल। ठीक है, अब चार फील्ड हो चुके हैं हमारे पास। इन चारों फील्ड्स को भेज देना भी है, यहाँ डेटा में ऐड कर देते हैं मोबाइल कॉमा ईमेल और बैकएंड पे तो सेट कर लिया हमने यूजर नेम पासवर्ड मोबाइल ईमेल। देखें ऐड यूजर साइन अप पे हमने कर लिया, मोबाइल ईमेल को भी सेट कर लिया और इसको भी न्यू यूजर स्कीमा में सेव करा दिया। अब चलिए देखते हैं ये सेव होता है नहीं। यूजर नेम रखते हैं यू, मोबाइल नंबर रखते हैं 122, ये जो भी है, ईमेल @gmail.com जो भी है, पासवर्ड पासवर्ड इज पी, साइन अप कराते हैं। ये सक्सेसफुली सेव हो गया। सक्सेसफुली सेव होने के बाद चलते हैं लॉगिन पेज पे। अब यूजर नेम क्या रखा था हमने, यू रखा था, पासवर्ड क्या रखा था, पी रखा था। लॉगिन करते हैं, सक्सेसफुली लॉगिन हो गया। अब चलते हैं हम ऐड प्रोडक्ट पे, न्यू प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ये जो प्राइस में कुछ भर देते हैं, कैटेगरी लेट डाल देते हैं, इमेज पहले ले लेते हैं और एक और ले लेते हैं, सबमिट कर देते हैं, सेव सक्सेस। अब चलते हैं इस वाले की डिटेल में, चल के यहाँ पे शो कॉन्टेक्ट डिटेल पे करते हैं। अब देखिए शो कॉन्टेक्ट डिटेल हमारे पास बाकी चीजें भी आ गई, मोबाइल भी आ गया, यूजर नेम आ गया। अब पासवर्ड बैकएंड से नहीं भेजेंगे, पासवर्ड भेजना बिल्कुल गलत है, इसको स्किप करेंगे बैकएंड से। चलिए तो हमने जो चीजें भेजनी है अब हमें फिल्टर करनी पड़ेगी बैकएंड से। बैकएंड ये रहा, यूजर की जो डिटेल हमने भेजी थी, साइन अप इज ओके, गेट यूजर, तो यहाँ पे जो हमने भेजा है यूजर, हमने क्या किया पूरा रिजल्ट भेज दिया। ऐसा नहीं करेंगे, वन बाय वन सारी चीजें भेजेंगे, ईमेल भेजेंगे तो वो ईमेल क्या होगा, रिजल्ट में से निकाल लेंगे, रिजल्ट डॉट ईमेल कॉमा मोबाइल भेजेंगे, मोबाइल होगा रिजल्ट यहां से
शेयर यूजर नेम, यूजर नेम और रिजल्ट डॉट यूजर नेम, बस तीन ही चीजें भेजेंगे यहाँ से, ठीक है, सारा नहीं भेजेंगे वरना फ्रंट एंड पे दिख जाएगा सारा रिजल्ट, पासवर्ड भी शो हो जाएगा किसी और यूजर का। रिफ्रेश करते हैं, शो किया, अब यूजर नेम दिखिए, अब यहाँ तीन ही चीजें हैं, ईमेल, मोबाइल और यूजर नेम, चलिए इन तीनों चीजों को शो करा देते हैं, जो कि हमारा प्रोडक्ट की डिटेल पेज पे, प्रोडक्ट डिटेल, ये सिंपल एक दो तीन फील्ड बनाते हैं, यूजर डॉट यूजर नेम शो कराने के लिए, यूजर ईमेल एंड मोबाइल, ठीक है, ये चीजें हो गई, इसको कर देते हैं थोड़ा H5, ईमेल वाले को थोड़ा कर देते हैं H6, इसको थोड़ा और इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट में दिखा देंगे, इस तरीके से चीजें दिख रही हैं। शो कॉन्टेक्ट पे गए और ये चीज हमने दिखा, इसका ईमेल एड्रेस, यहाँ से अब यूजर उसको कॉन्टेक्ट कर सकता है। अब ये चीज अगर मैं बाकी प्रोडक्ट के साथ करूँ तो उसमें इश्यू आएगा, जैसे मैं इस पे क्लिक करूँ, इसमें पहली बात तो दिखेगा ही नहीं क्योंकि इसमें डिटेल है नहीं, दूसरी इमेज नहीं है इसमें, जिसमें सेकंड इमेज ना हो उस पे चेक लगाने पड़ेंगे, तो इस जिसमें इमेज ना हो दूसरी, ये दूसरी इमेज वाला चेक भी लगा देता हूँ, अगर प्रोडक्ट डॉट इमेज टू नहीं है तो ये नहीं दिखाएंगे, ठीक है, कर ली ब्रैकेट्स, ठीक है, कर ली ब्रैकेट को बंद कर देते हैं, यहाँ सिंपल चेक है ये, कोई ज्यादा इशू नहीं है, जो चीज डिफाइन नहीं वो नहीं दिखेगी, इस तरह की चेक हैंडल करने होते हैं हमें, ये चीज है नहीं तो उसको दिखा नहीं रहे हम, तो चलते हैं किसी और को दिखाते हैं, इसमें जाते हैं, इसमें दो इमेज हैं तो दोनों दिख गई, शो कॉन्टेक्ट डिटेल में गए, सिर्फ नाम ही था यूजर का वहां पे, जिसने इसको ऐड किया उसने सिर्फ नाम ही डाला, मतलब उस टाइम पे नाम ही ऐड करने का ऑप्शन था, इसमें सारे ऑप्शन हैं, तो इसमें सारी डिटेल दी जाएंगी, शो कॉन्टेक्ट डिटेल यहाँ पे दिख गई। अब थोड़ा सा लॉग आउट करके जो लॉग इन वाला पेज है इसका थोड़ा स्टाइल और सही कर देते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले सेक्शन पे मूव करेंगे, लॉग इन का डिजाइन और थोड़ा अच्छा कर देते हैं, लॉग इन कहाँ गया, लॉगिन बस क्लास नेम सेट करनी है, और क्लास नेम इक्वल, क्लास नेम करनी है फॉर्म रो, फॉर्म कंट्रोल हो गया, इस पे क्लास क्लास नेम बीटीएन, बीटीएन प्राइमरी, लिंक्स को ऐसे रहने देते हैं क्योंकि लिंक्स लिंक्स जैसा लगना चाहिए, बटन बटन जैसा, और ये हो गया ओके। अब हेडर एक डिप बना लेते हैं, क्लास नेम इज p3 एंड मार्जिन 3, उस डिप को वाले डिप को यहाँ पे बंद करते हैं, चलिए हो गया लॉगिन पेज, लॉगिन साइन अप, वेलकम टू लॉगिन पेज, लॉगिन पेज को भी किसी हेडिंग के अंदर बंद कर देते हैं H3, किनका कैपिटल कर देते हैं और पी पेज इसको कर देते हैं, और चलिए ठीक है, काफी हद तक ठीक लगेगा, यूजर नेम पासवर्ड, ये लॉगिन पेज है, साइन अप पेज पे जाएंगे तो ये साइन अप पेज है, वेलकम टू साइन अप पेज पे भी हम जाके हेडिंग लगाते हैं, ये चीजें डाल देते हैं साइन अप पेज पे भी,
करूं कि स्पेलिंग ही करते हैं। नाउ इट्स ओके। चलिए वेलकम टू साइन अप पेज। अगर ऑलरेडी साइन अप कर रखा है तो आप सीधे लॉगिन पे जा सकते हैं। और यहाँ पे जब लॉगिन करने आएगा यूजर, अगर उसने वो साइन अप नहीं है और उसे हम लॉगिन ऑप्शन दिखा रहे हैं, तो वो यहाँ से साइन अप के लिए भी जा सकता है। लॉगिन के लिए लाएंगे। अब चलिए, यूजर नेम था मेरा यू, पासवर्ड था पी, और लॉगिन कर लेता हूँ मैं। ओके, सो मैं आ गया होम पेज पे। अभी लॉगिन पे थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट होता है, मतलब रुक जाता है, तो मैसेज ना दिखा के उसको सीधा रीडायरेक्ट कर देंगे लॉगिन पेज पे। लॉगिन पेज का है, अलर्ट कर देना, ये अलर्ट नहीं कराना, इसको हटा दे। इसको कर देते हैं कंट्रोल एक्स। तो ये हो गया, ठीक है। मतलब कहने का मतलब, जैसे हम लॉगिन कर लें, नेम यू, पासवर्ड पी, और लॉगिन पे क्लिक किया तो सीधा इधर जाने चाहिए हम। ये नहीं कि पहले अब लॉग आउट करते हैं, साइन अप पे चलते हैं। लिंक थोड़ा सा इसको स्पेस दे देते हैं, ये जो बटन है इसको राइट से मार्जिन दे देते हैं, तो ये इसको इधर चला जाएगा। लॉगिन पेज पे भी, दोनों पेज पे इसमें देंगे मार्जिन राइट 3 और उधर भी। ने मार्जिन नहीं लिया, ऐसा क्यों हो रहा है इसमें? ये तो ले रहा मार्जिन, इसको देते हैं, साइन अप को दे देते हैं मार्जिन, नहीं ले रहा तो। लॉगिन वाला जो लिंक है, चलते हैं लॉगिन वाले पेज पे, साइन अप पेज पे जाते हैं, वहां पे लॉगिन का लिंक होगा। ये देखिए आगे आ गया, थोड़ा अलग दिखना चाहिए ना। साइन अप पेज पे जाऊं, लॉगिन पेज पे चलते हैं, साइन अप वाले पे भी लगा देते हैं। ये क्लास नेम इक्वल टू M3। जब साइन अप कराते तो हमें मिलता सेव सक्सेस। ओके, और फिर हम लॉगिन के लिए जा सकते हैं। ये तो ये फ्लो क्या है, अब लॉगिन करते हैं, यूजर नेम क्यू, पासवर्ड पी, एंड लॉगिन पेज पे आ गए। अब डिजाइनिंग थोड़ी ठीक हो गई। ओके, इसमें दिखाना कि यूजर ने कौन कौन से प्रोडक्ट ऐड किए हैं। जैसे मैंने एक यूजर एज अ लॉगिन किया, अब मैंने कौन से प्रोडक्ट ऐड कर रखे हैं। माय प्रोडक्ट नाम का एक लिंक और बनाएंगे, तो वो सब चीजें करेंगे, और एडमिन के पास वेरीफाई होने जाएगा। ये वाला सेक्शन अभी हमने नहीं टच किया, एडमिन वाला, वो सब चीजें भी हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। ये काफी बड़ा हो गया वीडियो, तो अब नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे उसको।